चैत्र शुक्ल पक्ष सप्तमी सोमवार का पंचांग आनंद नामक संवत्सर है और संवत 2078। तो सप्तमी तिथि शाम को 7 बजे तक पटना के अनुसार लगभग रहेगा और पूर्णवासु नक्षत्र रात के 2:07 बनारस में 2:15 बजे तक लगभग पूर्णवासु नक्षत्र आपको रहेगा। उसके बाद पुख नक्षत्र आ जाता है। तो पुख नक्षत्र बहुत बढ़िया नक्षत्र माना गया है। सर्व दोष हरंति पुखा, सब तरह का शुभ कार्य पुख में किया जाता है। तो पुख नक्षत्र आपको मिल जाएगा माने कि 2:15 बजे भोर में। सुकर्मा योग आपको शाम के 4 बजे तक है, ये भी अच्छा है। माने ऐसे में जन्म लेने वाले लोग सुकर्मी होते हैं, अच्छे कर्म करने वाले होते हैं, और जब अच्छा कर्म करने वाले होंगे तो उनका परिणाम भी आपको अच्छा होगा। धूम्र योगा हो गया, 19 अप्रैल हो गया, 22 फसली हो गया, सूर्य के अनुसार 6 तारीख हो गया, रात्रि 29 तारीख। कर्क के चंद्रमा आपको रात्रि 7:40 यानी कि 7:45 रात से के बाद से हो जाएंगे। तो कर्क के चंद्रमा आपको उत्तर चला जाएगा, तो आपको उत्तर और पश्चिम की यात्रा शुभकारी हो जाएगा। तो जब कर्क के चंद्रमा होगा तब उत्तर की यात्रा शुभकारी होगा, लेकिन पश्चिम की यात्रा पहले से शुभकारी है और दिशा शुल भी नहीं। भद्रा शाम के 6:48 के बाद है स्वर्ग या मृत्यु लोक में। पहले स्वर्ग में भद्रा रहेगा, उसके बाद मृत्यु लोक में चला जाएगा। तो शुरुआती में तो शुभ काम होगा, लेकिन मृत्यु लोक में जाने के बाद सारा कार्यक्रम बंद हो जाएगा। काल रात्रि भवानी गौरी यात्रा दर्शनम पूजनम से, काल रात्रि काली जी को कहा गया ना, जो रात्रि के समान काला रात्रि के समान है, तो काल रात्रि काली जी का हो गया। भवानी गौरी यात्रा दर्शनम, गौरी जी का एक नाम पार्वती जी का भवानी है ना, ये अपना रहने के लिए भवन बनवाए थे ना शिव जी से कह करके कि हम भाई अभी जंगल झाड़ पहाड़ में नहीं रहेंगे, हमारे लिए भी सभी जैसे देव देवता के लिए सुंदर सुंदर महल है, भवन है, लोक है, तो उसी तरह से हमारे लिए भी खूब सुंदर सा भवन बना दीजिए और खूब बढ़िया जगह पर है ना, जहाँ पर के रक्षा से दुश्मन ना आ सके। बनवा तो दी है शिव जी, तो मना किए कि नहीं आपको किसी तो भवन नहीं है तो भवन मत बनवाइए है ना, भवन बनवाए तो भवानी नाम तो जरूर रह गया, लेकिन वो भवन इनको काम में नहीं आया। जो पुरोहित जिससे गृह प्रवेश करवाए, पूजा पाठ करवाए, वो पुरोहित जी उस घर को ही दक्षिणा में ले लिए, और उनका परम भक्त था, सेवक था रावण, तो उन्हीं को दे देना पड़ा। यानी कि ये भवन तो बनाए अपने लिए, लेकिन पुरोहित जी को दान कर दिए, दक्षिणा में दे दिए। तो इसीलिए इनका नाम भवानी पड़ गया। तो एक बात कहानी ये भी सोच लीजिए कि यदि आपको भाग्य में भवन नहीं है और यदि आप भवन बना लेते हैं तो उस भवन का सुख आपको नहीं मिलेगा, चाहे कारण कुछ भी। बहुत से लोग हैं कि घर मकान बनाए या रहने के बाद जाए तो दुनिया से चले गए, या बेटा पोतों निकाल दिया, या किसी अन्य तरह से सर्विस में अथी हो गया, ट्रांसफ़र हो गया, घर बनाए रहने के लिए ट्रांसफ़र हो गया, चले गए बाहर। तो इस तरह से बहुत सारा जोग शुभ अशुभ लग हो जाता है उनके लिए जिनके किस्मत में घर का सुख नहीं ना, घर लाख प्रयास से बना तो लिए लेकिन वो सुख उनको प्राप्त नहीं होता, किसी न किसी कारण से वो घर से बाहर हो जाते हैं, घर से बाहर रहने लगते हैं। तो वही हाल इनका हुआ। बलिदानादिक चह महानिशा, तो आज रात्रि में महानिशा पूजा होगा, सप्तमी है लेकिन रात्रि में आठवीं तिथि आने के चलते महानिशा पूजा आदि होगा। महानिशा पूजा में बलि प्रथा होता है, बलि प्रदान होता है। तो जो शाकाहारी लोग रहते हैं वो बेल के, भूरा के, नारियल के फल का बलि दे देते हैं, और जो वो सब चीज़ मांसाहारी लोग हैं जो सब चीज़ खाते हैं तो वो लोग वो सब चीज़ का बलि देते हैं, मान बकरा का हो या किसी और जीव का
बलि पड़ता है। सूर्य सप्तमी सूर्य पूजाश्च, हाँ जो लोग मांसाहारी नहीं हैं है ना उनको बलि पूजा में मैं शाकाहारी पूजा देना चाहिए ना, मांसाहारी बलि नहीं देना चाहिए, क्योंकि यदि आप बलि देते हैं तो आपको खाना पड़ेगा और आप नहीं खाते हैं तो मत कीजिए। विशेष करके ब्राह्मण लोग के लिए व्रत मना है, निषेध है। कई कुछ ब्राह्मण भी अवघरपंथी लोग हो जाते हैं, बाम मार्गी लोग हो जाते हैं, तो वैसे लोग उस लाइन को अपना लेते हैं तो विशेष बात विशेष हो जाता है। और ऐसे सूर्य भगवान का आज व्रत त्यौहार है, पूजा है ना, अंतिम व्रत हो गया, सप्तमी है तो पारण हो गया, पूर्णाहुति हो गया, तो सूर्य नारायण के चलते पूर्णाहुति के चलते माने ये सब कार्यक्रम मांसाहारी वाला न करे तो ज़्यादा ही अच्छा है। और बाकी अपना अपना विचार। मोदन व्रतम सात, आज मोदन व्रत हो गया, नाम सप्तमी भी हो गया, अन्नपूर्णा परिक्रमा शाम 6:48 के बाद से होगा। काशी जी में पूर्णा देवी हैं तो उनका परिक्रमा, या और कहीं भी मंदिर हो अन्नपूर्णा देवी का तो उनकी परिक्रमा का महत्व हो जाता है। पश्चिम दिशायाम शुक्रोदय प्रातः 5:50 बाद, माने प्रातः काल आज ही प्रातः काल में माने लगभग 6 बजे भोर में, माने कि आज शुक्रोदय हो जाएगा, तो शुक्रोदय हो गया तो फिर शुभ काम का शुरुआती हो गया। ऐसे बाल दोष लोग लगा देते हैं, लेकिन बाल दोष क्या लगाइएगा, समय अनुसार अपना काम कीजिए। शुक्रोदय हो गया, शुभ काम का शुरुआती हो गया। नौपद वाली प्रारंभ है, जैन समाज में जैन धर्म भी लोग कह देते हैं, तो इनमें नौपद वाली प्रारंभ है माने नया ओली जो बोलता है उसका शुरुआत हो गया। तो यही आज का पंचांग आपको हो गया, चैत्र शुक्ल पक्ष सप्तमी का। तो मेरा वीडियो कार्यक्रम अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, दोस्तों को दिखाने के लिए शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब्स नहीं किए हैं तो हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब्स कर दीजिए, घंटी बजा दीजिए और घंटी कर दीजिए। जय श्री।